को करीब वाक्य। अब आइए, अब आइए, अब शुरू होता है मोर्के का पहला ईंधन, जंग का पहला ईंधन, पहला शख्स कौन मरता, मुशरिकीन का या मुसलमानों का, ये देखना है। इस मोर्के का, इस जंग का पहला ईंधन अस्वद बिन अब्दुल असद मखजूमी था, मुशरिकीन में से, कुफार में से, मक्की लश्कर में से। यह शख्स बड़ा अड़ियल और बदखलक था। यह कहते हुए मैदान में निकला कि मैं अल्लाह से अहद करता हूं। गौर करने की बात है, मुशरिक है, नाम किसका लेते बार बार, अल्लाह, अल्लाह को अच्छी तरह जानते थे वो, अल्लाह के नाम के साथ इबादत में मखलूकात को शरीक करते थे, तभी तो शिर्क था वो। उसने कहा कि मैं अल्लाह से अहद करता हूं कि इनके हौज का पानी पीकर रहूंगा। कोई पानी पीने को चारा ही नहीं था सिवाय मुसलमानों के हौज के। कितनी जबरदस्त तजवीज है, देखिए आप, प्यासे मर जाएंगे तो जरूरी था कि उस हौज पर कब्जा किया जाए या उस हौज से पानी लिया जाए। तो कहा मैं अल्लाह से अहद करता हूं इनके हौज का पानी पीकर रहूंगा, वरना इसे ढा दूंगा या इसके लिए जान दे दूंगा। जब ये उधर से निकला तो इधर से हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, कौन, आप सलाम के चचा, बहुत ताकतवर, आप सलाम के चचा बहुत ताकतवर, हमजा रहते निकले, दोनों में हौज से परे ही मुठभेड़ हो गई। हमजा रजा ने ऐसी तलवार मारी कि इसका पांव निष्प पिंडली से, घुटने से थोड़ा नीचे कट गया, कटकर उड़ गया और पीठ के बल वो गिर पड़ा। इसके पांव से खून का फव्वारा निकल रहा था जिसका रुख उसी के साथियों की तरफ था, फव्वारा उछल रहा था खून का उसी के साथियों की तरफ था, लेकिन इसके बावजूद वो घुटनों के बल घसीट कर हौज की तरफ बढ़ा। अब क्योंकि उसने अहद किया था अल्लाह के नाम से, उसी तकलीफ से बढ़ा, इसमें दाखिल हुआ ही चाहता था कि अपनी कसम पूरी करे। इतने में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरी जरब लगाई और वो हौज में ही ढेर हो गया, पानी नहीं पी सका, अपनी कसम पूरी ना कर सका। ये पहला ईंधन है इस गज़वे बदर का, जो पहला